जहाँ पर इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं पर मिस्टर फेचू दुबई और तुर्की घूमते हुए नजर आ रहे हैं। फेचू ने कहा कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। सो गाइस, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर फेचू। टिकटॉक से फेमस हुए और आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। मिस्टर फेचू के हर देश में फैंस फॉलोइंग है। मिस्टर फेचू के इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं और आज मिस्टर फेचू का न्यू सॉन्ग भी आने वाला है जिसमें जुमना खान नजर आएगी। न्यू सॉन्ग का नाम मार ही डालोगी और बहुत ही अच्छा सॉन्ग आने वाला है। इस सॉन्ग की शूटिंग दुबई में हुई। फेसबुक का हर एक सॉन्ग पॉपुलर होता है और ट्रेंडिंग एक पर चलता है। आप फेसबुक को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं या नहीं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपको फेसबुक की वीडियो दिखाता हूं जिसमें फेसबुक ने कहा कि मैं पूरी दुनिया घूमने चाहता हूं। चलो वीडियो शुरू करता हूं। मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूं। 22 पे पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। मिस्टर फेसू पूरी दुनिया घूमकर एक अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। फेसू अपने इस ड्रीम को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है और इसको पूरा भी कर रहे हैं। तुर्की के बाद कौन से देश जाएंगे अभी तक नहीं बताया और जल्द ही आपको पता चलेगा। क्या आप भी फेसू की तरह ऐसे घूमना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फेसू ने इस बार ईद भी दुबई में बनाई। वहीं पर इंडिया में लॉकडाउन के कारण सभी ने अपने घरों में नमाज पढ़ी। फेसू दुबई गए हुए थे तो दुबई में ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ी। चलो मैं मिस्टर फेसू की तुर्की और दुबई की कुछ वीडियो दिखाता हूँ और आप कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सुल्तान, सारा शहर तो हम लोगों में बांट दिया, खुद के लिए क्या? वैसे तो पूरा बंबई मेरा है और धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत नहीं, समुंदर है ना मेरे पास। ये समुंदर ही है जो हिंदुस्तान को बाकी मुल्कों से मिलाता है। इस किले रुपए कब्जा कर लिया तो हमारा जहाज कभी नहीं डूबेगा। लाइक बटन को एक साथ दबा दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।